कोरोना के बढ़ते केस के चलते बिहार में अलर्ट, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द, काम पर वापस बुलाए गए डॉक्टर और नर्स। नमस्कार, मैं दिव्या वर्मा और आप देख रहे बिग न्यूज 9। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं इसके निरोधात्मक उपाय को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 5 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। विभाग के अनुसार जो चिकित्सक पदाधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी अवकाश पर हैं, उन्हें तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रकार के अवकाश में अध्ययन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश पर रहने वाले को छोड़कर सभी कर्मियों पर यह आदेश लागू होगा। विभाग जारी द्वारा निर्देश के तहत राज्य के सभी चिकित्सक पदाधिकारी से लेकर निर्देशक प्रमुख तक, प्राचार्य एवं अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर जूनियर रेजिडेंट एवं विशिष्ट चिकित्सा संस्थान के निदेशक तक की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसी तरह राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों जैसे स्वास्थ्य प्रशिक्षण, पारा मेडिकल्स, जेनियम, ANM, शल्य कक्ष सहायक, लैब टेक्नीशियन एवं सभी चतुर्थ कर्मी आदि की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। डेढ़ माह बाद एक दिन में 107 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान। बिहार में कोरोना जांच के दौरान गुरुवार को एक दिन में 107 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। राज्य में 44 दिनों बाद कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या ने पुनः 100 की संख्या को पार कर लिया है। इससे पहले 2 फरवरी को राज्य में 118 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी। इसके बाद संक्रमितों की संख्या कम आती गई। पिछले 7 दिनों से राज्य में 20 से 49 नए कोरोना संक्रमित औसतन मिल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के 38 में 26 जिलों में नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इनमें पटना में सर्वाधिक 27 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि भागलपुर में 11 नए संक्रमित मिले। अन्य शेष जिलों में 10 से कम नए संक्रमितों की पहचान की गई। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।